डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन और फिर हमने ट्रांजिशंस देखी थी कि कौन कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। अब उसी लेक्चर को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आज हम देखेंगे कि फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन सी होती हैं, नॉट अलाउड और अलाउड ट्रांजिशन कौन सी होती हैं, और उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बड़ा मजेदार लेक्चर है कि जो ट्रांजिशन है ये अलाउड कब होती है, फॉरबिडन और नॉट अलाउड, क्या क्या चेंजेस आए तो वो अलाउड है और क्या क्या चेंजेस आ जाए तो वो नॉट अलाउड है, और कब ये ट्रांजिशन फॉरबिडन है। यानी अगर हम देखें कि सिग्मा से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाता, सिग्मा से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाता, या पाई से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाता, ये क्यों नॉट अलाउड ट्रांजिशन है, ऐसा क्या है इसमें, तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है तो अलाउड ट्रांजिशन। आपने बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ा होगा। बियर लैम्बर्ट लॉ, ये हमारे पास होती है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन बराबर होती है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और फिर कंसंट्रेशन और फिर पाथ लेंथ। अब इसमें ये जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, ये किसी भी मॉलिक्यूल की जो करेक्टरिस्टिक होती है, इस पे ये जो इसकी वैल्यू है उससे हम डिफाइन करते हैं पहले। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वैल्यू इसकी 10^4 आ जाए, जैसा कि आमतौर पर पाई टू पाई ट्रांजिशन में होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में होता है, तो ऐसी ट्रांजिशन, ऐसी एब्जॉर्प्शन हाई इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन होती है। अगर यही वैल्यू आ जाए हमारे पास 10^3 तक, ये भी आमतौर पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही होती हैं, और ये लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन है। हैं ये दोनों अलाउड है, एक में एब्जॉर्प्शन हाई इंटेंसिटी है, एक में लो इंटेंसिटी है। अगर इसकी वैल्यू 10^3 से कम आ जाए तो हम इसको कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। यानी 0 to 10^3, 10^3 से नीचे वैल्यू आए तो ये होती है फॉरबिडन ट्रांजिशन, और फॉरबिडन ट्रांजिशन आमतौर पर एन टू पाई ट्रांजिशन। अब हम देखेंगे कि एन टू पाई ट्रांजिशन फॉरबिडन क्यों है, ऐसा क्या है इसमें, और फिर पाई टू पाई ट्रांजिशन फिजिबल क्यों है, पाई टू पाई स्टार, और फिर पाई से सिग्मा स्टार या सिग्मा से पाई स्टार ये क्यों नहीं होती ट्रांजिशन, इसकी वजह क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप 1-2 मिनट में क्वांटम नंबर को समझ लें। क्वांटम नंबर 4 है, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ये इनके सिंबल्स हैं, प्रिंसिपल को एन से, एजिमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम, और इसको एस से लिखते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, ये कभी वैल्यू 0 नहीं होती, ना नेगेटिव होती है, ना फ्रैक्शन में होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल इज इक्वल टू एन माइनस, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक माइनस करते हैं, ये 0, 1, 2, 3 होती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एम इज इक्वल टू 0, +/-L, यानी 0 + L और -L, यानी -L से स्टार्ट करेंगे 0 और फिर +L की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल +2, ये सॉरी माइनस से स्टार्ट करनी है तो -2, -1, 0, फिर +1, +2, इस तरह से वैल्यूज आएंगे। और फाइनली स्पिन है, स्पिन +1/2 और -1/2 होती है। आमतौर पर लोग कहते हैं क्लॉकवाइज +1/2 होती है, और एंटी क्लॉकवाइज जो है आमतौर पर इसको -1/2 से, वो जो प्रोफेसर है लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है ये हमें एनर्जी और साइज के बारे में बताता है, एजीमुथल शेप्स के ओरिएंटेशन के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन के बारे में, ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है।
तो ये क्वांटम नंबर है, सारी गेम जो ट्रांजिशन की है वो क्वांटम नंबर के इर्द गिर्द घूम रही है। अब सबसे पहले अगर हम सिर्फ ट्रांजिशंस में स्पिन वाला फैक्टर देख लें, देखें ये ट्रांजिशंस कल हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, ये चार थी। एक थी एन टू पाए, दूसरी थी पाई टू पाए, फिर एन टू सिग्मा स्टार थी, और फिर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये चार था। हमने इनको कहा था कि ये अलाउड है, ये हो जाती हैं ट्रांजिशंस, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये तो यूवी से भी नीचे चले जाता है वैक्यूम यूवी में। अब जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करके जाता है, अगर उसकी स्पिन में कोई चेंज ना आए तो ऐसी ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन यहां पर लेवल में मौजूद है, उसकी स्पिन ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये स्पिन उसकी प्लस हाफ है, ये बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट वाले हैं, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। यहां से वो जंप करता है और यहां सिग्मा स्टार में चले जाता है और उसकी स्पिन चेंज नहीं होती, तो ये अलाउड ट्रांजिशन है, यानी उसकी स्पिन प्लस हाफ ही रह जाएगी, कोई चेंज नहीं आया। अब इसमें डेल्टा एस निकालें, डेल्टा एस है प्लस हाफ, और फिर स्पिन में चौंके कोई चेंज नहीं आ रहा माइनस, फिर वो प्लस हाफ ही है, सेम रही है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये अलाउड है, लेकिन अगर स्पिन चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से वो माइनस हाफ यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, ये माइनस हाफ हो जाता, तो यहां पर फिर देखें ये जो प्लस हाफ है और यहां पर जब माइनस करते तो ये -1/2, और माइनस माइनस जब प्लस होता तो +1/2 +1/2 हो जाता, 1/2, और माइनस माइनस प्लस करने से 1/2, तो ये आ जाता 1। इसका मतलब है डेल्टा एस जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं है तो फिर ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। तो स्पिन क्वांटम नंबर एक तो हो गया, यानी उसकी स्पिन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहे, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज रहे। ये था स्पिन क्वांटम नंबर, और ये एक चीज ये देखनी होती है अलाउड है या नहीं है। दूसरी देखनी होती है हमने एजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, उसमें +1 का चेंज आ सकता है या -1 का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, एस सब शेल होते हैं, एस पी डी एफ जी या जी भी आप लिख सकते हैं, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ वाला है। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक लेवल से दूसरे लेवल में, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन एस से जंप करता है और पी में चले जाता है, तो अब दोनों की वैल्यू का डिफरेंस निकाल लें, पी का 2 है और एस का 1 है, जब डिफरेंस निकला तो वो आया 1, और 1 का डिफरेंस अलाउड है, इसका मतलब ये अलाउड ट्रांजिशन है। इसी तरह अगर वो पी से वापस आ रहा है एस में तो फिर भी अलाउड है -1। अब अगर इलेक्ट्रॉन एस से आप डी में भेजे, तो एस से अगर इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो एस के लिए वैल्यू 1 है, डी के लिए 3 है, अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 2, 2 आएगा तो वो नॉट अलाउड है। मीन सादा लफ्जों में ऐसे समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने से ऊपर वाले लेवल में एक्साइट करके जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन एस से जा सकता है पी में, अगर पी में है तो वो डी में जा सकता है, डी में है तो एफ में जा सकता है, एफ में है तो जी में, यानी एक का फर्क आना चाहिए, यानी एफ और जी में कितना फर्क है, 5 और 4 में 1 का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 से 4 वाले में जा सकता है, 2 से 3 वाले में, इसी तरह वापस भी आ सकता है डी एक्साइट होके।
तो इलेक्ट्रॉन सादा लफ्जों में यूं समझ लें एजीमुथल क्वांटम नंबर से कि वो साथ वाले एनर्जी लेवल में जा सकता है, एस से पी में जा सकता है, एस से डायरेक्ट डी में नहीं जा सकता, एस से एफ में नहीं जा सकता, जी में नहीं जा सकता। तो ये दूसरा हमारे पास रूल हो गया कि ट्रांजिशन अलाउड होगी या नहीं, स्पिन में चेंज नहीं आना चाहिए और एजीमुथल क्वांटम नंबर में एक चेंज आ सकता है, यानी अपने से अगले लेवल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तीसरे नंबर पे है सिमिट्री, जो सबसे अहम पॉइंट है कि सिमिट्रिकली अलाउड है या नहीं है। देखें, अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमिट्रिकल होता है, और जो इस तरह सिमेट्रिकल होता है हर डायरेक्शन में उसको जीरेड, जी से लिखते हैं, जीरेड सिमेट्रिकल। अगर आप पी में देखें तो पी में ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर आप सेंटर से दोनों तरफ को जाएं तो सिमेट्री नहीं है, जैसे एस में थी, आप सेंटर से जिस तरफ को जाएं सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री नहीं है। एक तरफ जाएंगे तो नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव है, यानी ये अनजीरेड है, सिमेट्रिकल नहीं है। इसी तरह अगर आप डी की बात करें तो डी इस तरह से, ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस है, तो ये भी सिमेट्रिकल होता है। आप सेंटर से इस तरफ को जाएंगे पॉजिटिव है, इधर को जाएंगे पॉजिटिव है, इधर जाएंगे नेगेटिव है, तो इधर भी नेगेटिव है, तो ये भी जी रेड, यानी सिमेट्रिकल है। अब जो एक्साइटेशन होती है वो होती है सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल में, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एस से पी में जा सकता है। क्यों? एस सिमेट्रिकल है और पी अनसिमेट्रिकल है, यानी ये जी रेड है, ये अनजी रेड है। इसी तरह यहां से जी, ये जो पी है, पी से डी में जा सकता है, ये एस है, ये पी है और ये डी है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, यानी सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल, ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब जी, ये जो एस है, एस से इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर एस से आप इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे डी में तो ये तो सिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल है, जीरेड से जीरेड है, इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेशन पॉसिबल है, अलाउड है, वो जी से, यानी जीरेड से अनजीरेड या अनजीरेड से जीरेड, ये अल्टरनेट होते हैं। जो एस होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जो पी होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, जो डी होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जो एफ होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, जो जी होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो इस तरह, यानी इलेक्ट्रॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसा कि हमें बता रहा है, इलेक्ट्रॉन एक लेवल से अपने से अगले लेवल में जा सकता है एक्साइटेशन करके, यानी एस से पी में जा सकता है, एस से डी में नहीं जा सकता। क्यों? ये जी से जी, यानी जीरेड से जीरेड में नहीं जा सकता। हाँ, पी से डी में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो एक तो ये सिमेट्री का ख्याल रखना होता है यहां पर। अब सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये जो पाई से सिग्मा स्टार है, यानी ये जो हमारे पास ये वाली ट्रांजिशन है, पाई सिग्मा से पाई स्टार है या पाई से सिग्मा स्टार है, ये नहीं होती है, सिमेट्रिकली नॉट अलाउड है, ये अलाउ ही नहीं है। क्यों नहीं अलाउड, जरा गौर कीजिएगा। फर्स्ट करें, मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता हूं, ये एस ऑर्बिटल है, ये होता है सिमेट्रिकल, दूसरा एस डी, ये भी हमारे पास आ गया। अब जब ये आपस में मिलेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, अब बॉन्डिंग में क्या होगा, बॉन्डिंग में ये दोनों आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, दरमियान में नेगेटिव, तो ये हो गया सिमेट्रिकल। जबकि यहां पर जब ये ओवरलैप नहीं करेंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, यानी ये सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। क्यों? एक सिमेट्रिकल है दूसरा अनसिमेट्रिकल, ये अगर सिग्मा है
तो ये सिग्मा स्टार है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है सिग्मा से सिग्मा स्टार में। क्यों? क्योंकि सिग्मा जो है वो सिमेट्रिकल है और सिग्मा स्टार अनसिमेट्रिकल है। इसी तरह अगर आप पी को मिलाएं, ये हमारे पास एक पी है, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव फेज है, इसी तरह ये हमारे पास दूसरे वाला पी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम इनकी ओवरलैपिंग करवा दें तो ये सिमेट्रिकल बनेगा। कैसे? ये वाला पार्ट पॉजिटिव, दरमियान में नेगेटिव, और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव। तो अब दरमियान से जिस तरफ को भी जाएंगे ये दोनों तरफ पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया सिमेट्रिकल, यानी ये जी है। लेकिन अगर आप इनके फेजेस इस तरह से कर दें कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और दूसरे वाले का फेज नेगेटिव पॉजिटिव सामने, पॉजिटिव नेगेटिव कर दें, अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे एंटीबॉन्डिंग में जाके, और इस तरह से ये हमारे पास एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा उसका नेगेटिव है, इसी तरह से ये अगर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, ये हो गया अनसिमेट्रिकल, यानी ये हो गया अनजीरेड। तो जीरेड से अनजीरेड, तो ये इस तरह से सिग्मा स्टार में, सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। एक सिग्मा है, ये सिग्मा बांड बना पी और पी के मिलने से, और ये बना है सिग्मा स्टार, तो एक जीरेड है दूसरा अनजीरेड। अब अगर हम पाई की बहुत बात कर ले, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेजेस सामने लेके आएंगे, जब सेम फेजेस सामने आते हैं तो उसको हम कहते हैं ये बॉन्डिंग है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यानी यूं हुआ कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, इधर दोनों पॉजिटिव है जब पाई बांड बना, और इधर दोनों ही नेगेटिव है, और ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये सेंट्रल पॉइंट से आप दोनों तरफ को जाएं तो आप देखें एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव है। यानी जो पाई होता है हमारे पास, पाई हमारे पास होता है अनजीरेड। अब अगर आप इसका पाई स्टार बना लें, पाई स्टार में पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और दूसरे वाला क्या होगा फिर हमारे पास? ये होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये इस तरह से हमारे पास ये बनेंगे ऑर्बिटल, ये वाले। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये हमारे पास देखें, जिधर को एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो ये सिमेट्रिकल है जी। अब इसका मतलब है पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। क्यों? पाई अनचिरेड अनसिमेट्रिकल है, जबकि ये जो पाई है हमारे पास यहाँ पर है दिस वन पाई, ये हमारे पास पाई है अनसिमेट्रिकल, और पाई स्टार है सिमेट्रिकल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइटेशन हो सकती है। अब अगर आप सिग्मा की बात करें तो सिग्मा हमारे पास होता है सिमेट्रिकल, यहां पर चेक कर सकते हैं आप, सिग्मा जो है वो हमारे पास जीरेड होता है, ये वाला देखें, ये सिग्मा जीरेड है हमारे पास, सिग्मा वाला, सिग्मा हमारे पास जीरेड है, जबकि सिग्मा स्टार जो है ये हमारे पास अनजीरेड है, यानी अनसिमेट्रिकल है। तो अगर आप सिग्मा से, ये देखें ये सिग्मा है हमारे पास, अगर आप सिग्मा से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन भेजना चाहें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं। अगर सिग्मा से पाई स्टार में भेजें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सिग्मा है, सिग्मा भी सिमेट्रिकल है, जीरेड है, और पाई स्टार भी सिमेट्रिकल है। अगर आप इसका उलट देख लें तो यहां पर जो हमारे पास पाई है, पाई देखें यहां पर अनसिमेट्रिकल है। अब अगर आप पाई से इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में भेजना चाहें तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पाई से सिग्मा स्टार में भेजें तो दोनों ही अनजीरेड हैं। तो यही वजह है, ये जो दो ट्रांजिशन है पाई से सिग्मा स्टार और सिग्मा से पाई स्टार, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये या तो सिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल, जीरेड से जीरेड तक है, या फिर अनजीरेड से अनजीरेड की तरफ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
यही वजह है कि हमारे पास ये जो ट्रांजिशंस हैं, पार्टिकुलरली जो पाई टू पाई स्टार है, पाई देखें, पाई हमारे पास अनजीरेड और पाई स्टार जीरेड है। तो ये वाली जो ट्रांजिशन है हमारे पास, अगर मैं इसको एक दफा क्लियर कर लूं, यहां पर एक तो पाई से पाई स्टार, क्योंकि पाई है अनजीरेड और पाई स्टार क्या है, जीरेड, पॉसिबल है पाई से पाई स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार। अब जो सिग्मा है ये जीरेड है और सिग्मा स्टार अनजीरेड है, ये भी पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल ट्रांजिशन है। अगर आप ये वाले ट्रांजिशंस देखेंगे पाई से सिग्मा स्टार, तो पाई देखें अनजीरेड, सिग्मा स्टार अनजीरेड है, सेम है, तो पॉसिबल नहीं। इसी तरह सिग्मा से पाई स्टार, जीरेड से जीरेड है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन है पाई से पाई स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार, और नॉट अलाउड, जो बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो है पाई से सिग्मा स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार। अब बच गई है हमारे पास जो एन से होती है, एन से सिग्मा स्टार, क्योंकि एन की कोई नॉन बॉन्डिंग की कोई सिमेट्री नहीं होती है, तो इस वजह से इन ट्रांजिशन को फॉरबिडन कहते हैं। ये पॉसिबल होती हैं जहां हेट्रो एटम होता है, क्योंकि उन पे लोन पेयर होता है, जैसे सल्फर आ जाएगा, जैसे नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो साथ है सिग्मा या पाई बांड, सिग्मा स्टार है तो सिग्मा बांड होंगे और पाई स्टार में जाना है तो पाई बांड होंगे। ये फॉरबिडन है, हो तो जाती है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बड़ी कम होती है, जबकि जो सेम है जीरेड से जीरेड या अनजीरेड से अनजीरेड है, वो तो पॉसिबल ही नहीं होती है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा अबाउट द ट्रांजिशंस। ये बड़ा कंसेप्चुअल और ट्रिकी किस्म का लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच।